नमस्कार दोस्तों, सीवी में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डायरेक्टर देवेश मुकीम आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो हमारे ऐसे पेशेंट की कहानी है जिन्हें 2009 के अंदर बाईपास एडवाइस था और आज तक उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराई और अपने आप को बहुत तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। आइए जाने के चावड़िया जी हमारे पेशेंट की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम कन्हैयालाल चावड़िया है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक से मई 2008 में रिटायर हो गया। उसके बाद 2009 में हार्ट लगी तो मैं डॉक्टर शशि मोहन शर्मा को चेकअप कराने गया, जांच कराने गया। वहाँ फीस वगैरह दी, उनको दिखाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई 2-2.5 लाख रुपये मेरे जिम में डालना और पैसे में आ जाओ, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट करके और छल्ला वगैरह डालना करना वो डाल दूँगा। जैसे उनसे बात करके बाहर आया तो मेरे एक मित्र हैं ब्रह्म प्रकाश शर्मा, जो मेरे साथ में रिजर्व बैंक में थे। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं तो यहाँ से डॉक्टर शशि मोहन शर्मा को दिखाना। उन्होंने कहा जल्दी से बाहर आओ। मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद कहा कि क्या बात हो गई, हार्ट ट्रबल हो गई। तो मैं शाम को घर आ रहा हूँ। तो मैं घर आने के बाद मेरे से पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरे को एक तो सांस फूलता, दूसरा सीने में जलन होती है। सीढ़ियों में 2 या 3 बार रेस्ट, एक मंजिल चढ़ने पर 2 या 3 बार रेस्ट लेना पड़ता है। अरे नहीं भाई, आप तो एक काम करना कि एक कैंप लग रहा है तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। और तो उन्होंने 1000 रुपये जमा करा करके, और उसमें 2 आदमी अलाउड थे, मैम और मेरी मिसेज। कैंप अटेंड करने के बाद उसमें बहुत कुछ समझाया गया कि आपको किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है, क्या है, क्या क्या टेस्ट होता है, कैसे होता है, हृदय रोग कैसे होता है, ईसीपी कैसे काम करता है, बीसीए कैसे काम करता है, सब चीज़ समझाएंगे। उसके साथ ही ये भी बताया गया कि बिना घी तेल के खाना कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में मैं इसी हॉस्पिटल में आया। आने के बाद फिर मेरे को सीटी एंजियोग्राफी के लिए लिखा गया। मैंने ओके वाले से सीटी एंजियोग्राफी करवाई और सीटी एंजियोग्राफी कराने के बाद उसमें जो रिजल्ट था उसमें था एलसीएक्स और एलएक्स। एलसीएक्स 100% बनती, एलएक्स 90% बनती। फिर मैंने ईईसीपी और बीसीए दोनों ट्रीटमेंट लिए और ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं काफ़ी स्वस्थ होता चला गया। और जैसे मेरे को बताया गया कि भाई आप खाने में सलाद लो, घी तेल मत लो। जैसे घी की चीज़ें जो है दूध से बनी चीज़ें, इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है और तेल की जितनी भी चीज़ें होती है जो पेड़ पौधों से मिलता है वो उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों ही मैं भोजन से दूर रखता हूँ और बिना घी तेल का मैं खाना आज भी ले रहा हूँ। 17/5/1948 को मैं 73 साल का हो जाऊँगा और अभी तक मैं लगातार बिना घी तेल का ही खाना ले रहा हूँ। और मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ और मैं सेवियम वालों का, राजा मुकेश साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत पूरा सहयोग दिया और पूरा सम्मान देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरे छोटी बहन के हस्बैंड मेरे कंवर साहब जिसे कहा जाता है, बहने भी कहते हैं, उनको भेजा था, उनसे ट्रीटमेंट, उनका ट्रीटमेंट करवाया यहाँ। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उसके अलावा उनके डायबिटीज़ थी, वो डायबिटीज़ भी जो इन्होंने खाने का जो सिस्टम बताया उस हिसाब से वो डायबिटीज़ भी उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। डायबिटीज़ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई। और ये जो खाने का सुबह जूस वगैरह का और फल वगैरह का इनका जो सिस्टम बताते हैं वो इतना बढ़िया तरीके से है कि इससे दवाइयाँ भी छूटते चले जाती है, आदमी स्वस्थ भी हो चला जाता है और बिल्कुल बहुत स्वस्थ रहता है। जैसे वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके बिना सर्जरी हार्ट का ट्रीटमेंट भी होता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉर मोर इंस्पायरिंग वीडियोज़ और हेल्थ टिप्स के लिए आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।